गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एज यू कैन सी टुडे वी हैव हियर इज द KTM ड्यूक 200। आज की वीडियो में हम इस बाइक को राइड करेंगे, मैं आपको इसका रिव्यू दूंगा एंड क्या आपको ये बाइक बाय करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, आज की वीडियो में सारी बातें डिस्कस होने वाली है। तो गाइस चलिए वीडियो करते हैं शुरू। सो गाइस दिस इज द KTM ड्यूक 200 BS6 मॉडल। ऑल्सो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की वीडियो में कोई हम स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आई थिंक ड्यूक 200 को टाइम हुआ थोड़ा बहुत, उसको लॉन्च हुआ थोड़ा बहुत टाइम हो गया है एंड आप सबको पता होगा एंड आप गूगल भी कर सकते हो इसके स्पेसिफिकेशंस। सो गाइस आज के वीडियो में बस मैं आपको इसका ओवरलुक देने वाला हूँ, उसके बाद मैं इस बाइक को करूँगा राइड एंड आपको दूंगा अपना राइड एंड ओपिनियन। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल बाइक के लुक कंडीशन की बात कर दें तो फ्रंट में आपको मिलने वाला है ये हेडलैम्प जो कि इंस्पायर है ड्यूक 250 से एंड यहाँ पर आपको DRLs भी मिल जाएंगे। ये है इस बाइक का फ्रंट लुक एंड रिम्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, स्पेशली ये ऑरेंज कलर में। इसका जो दूसरा कलर स्कीम है वो आता है वाइट एंड ऑरेंज का एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस ऑरेंज कलर लुक्स बेटर देन दी वाइट एंड आपके क्या ओपिनियन है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बात करते हैं साइड प्रोफाइल की तो यहाँ पर आपको टैंक के ऊपर ड्यूक 200 के स्टिकर्स मिल जाएंगे एंड साइड की जो ट्रेलिस फ्रेम है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है एंड काफ़ी ज़्यादा बनाती है अट्रैक्टिव बाइक को। यह है इसका सस्पेंशन सेटअप। सबसे बड़ी अपडेट है ड्यूक 200 BS4 से BS6 में कि यहाँ पर अब आपको जो सीट्स मिलने वाली है वो थोड़ी सी वाइड मिलने वाली है। जो ड्यूक 200 जो BS4 मॉडल था वहाँ पर आपको सीट उतनी वाइड नहीं मिलती थी, लेकिन गाइस यहाँ पर आपको भी सीट वाइड मिलने वाली है। सो राइडर एंड पिलियन राइडर दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। सो गाइस यू गेट हियर इज़ द LED टेल लाइट्स एंड ऑफकोर्स KTM में ऑफर किए जा रहे हैं आपको LED इंडिकेटर्स। सो दोस्तों वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखाना चाहता हूँ। Nowadays skin protection is a must do thing and men को भी daily skin care use करने की आदत डालनी चाहिए। Anyways मैंने कुछ products order किए हैं men की skin and beauty care के लिए। Start करते हैं मामा अर्थ के विटामिन सी फेस वॉश एंड फेस मास्क से। सो गाइज आई रिकमेंड कि आप डेली ट्वाइस अ डे इसको यूज़ करो, स्पेशली फेस वॉश को। फेस वॉश की मैं बात नहीं कर रहा, ये आपकी स्किन को नेचुरली ग्लो देगा एंड आपकी स्किन का जो नेचुरल ग्लो है उसको ये बढ़ाएगा। ऑल्सो गाइज आपकी जो स्किन है उसको भी ये हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। दूसरी मैंने ऑर्डर की है द मैन कंपनी की अल्टीमेट चारकोल किट जो आपको मिलने वाली है इस प्रीमियम से दिखने वाले बॉक्स में। यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जैसे कि ये एंटी पॉल्यूशन मास्क, फेस वॉश, क्लींजर जो आपके फेस को सारी इम्प्योरिटीज क्लीन कर देंगे एंड आपके फेस को एक नेचुरल लुक लेके आएंगे। आपको यहाँ पर चारकोल सोप भी मिलने वाला है जो आपको एकदम फ्रेश फील कराएगा। यू ऑल्सो गेट बॉडी वॉश विच प्रिवेंट्स रैशेज एंड आपको डेफिनेटली फ्रेश फील होगा इन सब आइटम्स को यूज़ करने के बाद। एंड गाइस सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव प्राइस पॉइंट में आपको मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छी प्राइस पॉइंट में आपको ये पूरी किट मिलने वाली है। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मैन इज बॉडी परफ्यूम। घर हो या ऑफिस, पार्टी हो या मीटिंग, बॉडी परफ्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसको नहाने के निकलने के बाद जो फ्रेगरेंस आती है बॉडी में से वैसी एकदम फ्रेश फ्रेगरेंस पसंद है तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए ये जो वाइल्ड स्टोन का कोड वाला परफ्यूम है वो। वे सबसे खास बात तो ये है कि ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस रेंज में आपको मिलने वाले हैं। सारे के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आप जाके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, जो आपको पहले के मॉडल में मिलता था वही आपको सेम मिलने वाला है एंड यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर सभी आपको अवेलेबल है एंड इसका जो इग्निशन है वो भी यहाँ पर आपको टैंक के ऊपर मिलने वाला है। एंड बात करते हैं इसकी स्विचेस की, सो यू गेट हाई बीम लो बीम स्विच, पास लाइट स्विच, इंडिकेटर स्विच एंड ऑफकोर्स हॉर्न एंड दीज आर द मिरर्स। राइट हैंड साइड के ऊपर आपको सेल्फ स्टार्ट की स्विच मिलेगी एंड इंजन किल स्विच मिल जाएगी। लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जॉस्ट नोट ऑफ द बाइक। तो गाइस जो बाइक है वो BS4 के मुकाबले थोड़ी बहुत साइलेंट हो गई है। सो बाइक ओवरव्यू तो आपने देख लिया, अब करते हैं इस बाइक को राइड एंड देखते हैं कि इसका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है। सो बाइक पर बैठते ही आपको डेफिनेटली अच्छा फील आने वाला है, इसके फ्यूल टैंक की वजह से बहुत ज़्यादा बल्की है। बात करते हैं इस बाइक के पावर एंड पिकअप की तो डेफिनेटली अच्छा पावर है इस बाइक का एंड गाइस जो पिकअप है ना वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। थोड़े ही सेकेंड्स में आपको पता चल जाएगा कि आप एक KTM की बाइक चला रहे हो। आई मीन टोटल रिस्पॉन्स की बात करो तो बहुत ज़्यादा स्मूथ है एंड बहुत ज़्यादा बेटर है। राइड क्वालिटी की बात करूँ तो इट इज़ ऑन द सॉफ्टर साइड, बहुत ही स्मूथ है इस बाइक को राइड करना एंड गाइस
मिड रेंज में आपको इस बाइक के साथ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सबसे अच्छी बात तो ये है इस बाइक की कि वो है इसका वेट। ये जो बाइक है वो BS4 से अराउंड 9 किलोज हैवी है, फिर भी ये जो बाइक है वो लाइट वेट व्हीकल है। एंड जब इस बाइक को राइड करोगे तब भी आपको फील हो जाएगा कि हाँ ये जो बाइक है वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। कॉर्नरिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इसके लाइट वेट के कैरेक्टरिस्टिक की वजह से। ऑल्सो गाइस सिटी के स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में भी आप इस बाइक को राइड करने में थकोगे नहीं, क्योंकि बार बार स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में हैवी बाइक को राइड करना एक पर्सन को थका देता है। सो गाइस इन केस ऑफ ड्यूक 200 ये लाइट वेट व्हीकल है, सो गाइस यहाँ पर आपको ऐसा नहीं होने वाला है। जो हैंडल बार ग्रिप है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। स्पेशली मैं मिरर्स के बारे में बोलना चाहूँगा कि जो मिरर्स है वो स्टाइलिश भी लगते हैं बाइक के ऊपर, एंड जो व्यू है वो भी एकदम प्रॉपर देते हैं, आपको सब कुछ एकदम क्लियरली दिख जाता है। सीट्स की बात करूँ तो सीट्स वाइड है, एंड इसकी कुशनिंग की बात करूँ तो ना उतनी सॉफ्ट है ना उतनी हार्ड है, मीडियम है ऐसा हम बोल सकते हैं। इस बाइक में आपको मिलने वाला है ड्यूअल चैनल ABS, एंड अब करते हैं इसका ABS टेस्ट। सो गाइस जैसा कि आपने देखा कि अराउंड 60 की स्पीड में बहुत ज़्यादा कम सेकंड्स में बाइक स्टॉप हो गई। सो गाइस राइडर है उसका सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है स्पेशली KTM ने। एंड गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसका दूसरी बार ABS टेस्ट किया एंड प्रॉपरली बाइक स्टॉप हो जाती है हर बार थोड़े ही कम सेकंड्स में। सो गाइस आपको यहाँ पर सेफ्टी के नज़रिए से देखने जाए तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की तो वो थोड़ा सा कम है, एंड इसको हम एक डाउनसाइड भी बोल सकते हैं KTM Duke 200 BS6 का। ग्राउंड क्लियरेंस के लो की वजह से चांसेस है कि आपके जो स्पीड ब्रेकर्स है वो बार बार आपकी बाइक के बैली को टच हो जाएंगे। ऑल्सो सस्पेंशन इज लिटिल बिट ऑन द हार्डर साइड, यू कैन ईजिली फील दी बम्प्स एंड पॉट होल्स ऑन द रोड। बाइक की टॉप स्पीड की बात करूँ तो यू कैन ईजिली टच अ टॉप एंड ऑफ 130 किलोमीटर पर आवर टू 140 किलोमीटर पर आवर, बट आई डोंट थिंक यू कैन गो अहेड ऑफ इट। एंड गाइज आई डोंट थिंक कि 200cc बाइक में इससे ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत कभी पड़ती है। आई मीन ये इन अ स्पीड है देखने जाए तो। माइलेज की बात करूँ तो डेफिनेटली यहाँ पर इसकी जो माइलेज है वो उतनी अच्छी नहीं है एज़ पर यूज़र एक्सपीरियंस। ये जो बाइक है वो अराउंड 28-30 किलोमीटर पर लीटर माइलेज देती है इन द सिटी, एंड अगर आप इसको बहुत ज़्यादा रेव मार के चलाओगे फॉर एग्जांपल कंटिन्यू आप 100-110 जा रहे हो तो जो माइलेज है वो इससे भी ज़्यादा कम हो जाएगी। एक ऐसा पॉइंट है जो मुझे KTM की हर बाइक में पसंद नहीं है, वो है इसका प्राइस रेंज। ड्यूक 200 इज प्राइज एट ₹2,07,000 ऑन रोड इन माई सिटी, एंड गाइस आई डोंट थिंक ये जो प्राइस है वो उतना वर्दी है। आई मीन ये जो बाइक है वो डेफिनेटली ओवर प्राइस्ड है। सो गाइस एट लास्ट आई वांट टू कंक्लूड कि जो ड्यूक 200 है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अच्छी मोटरसाइकिल है, एक पावर पैक मशीन है, एंड इसको डेफिनेटली एक फन टू राइड मशीन बोल सकते हैं। लेकिन गाइस इसका जो प्राइस टैग है वो थोड़ा बहुत हाई है अकॉर्डिंग टू मी। सो गाइस अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो ढूंढ रहे हो एक अफोर्डेबल मोटरसाइकिल या फिर ऐसी मोटरसाइकिल जो एकदम बजट में आ जाए तो ड्यूक 200 आपके लिए नहीं है। ऑन दी अदर हैंड आपको प्राइस टैग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको 2 लाख रुपीज़ एक 200cc की मोटरसाइकिल में इन्वेस्ट करना है तो आपको डेफिनेटली ड्यूक 200 बाइक करनी चाहिए, आपको डेफिनेटली इस बाइक को राइड करने में मज़ा आएगा, चॉइस आपकी है। तो गाइस मैं करता हूँ यहाँ पर मेरा वीडियो एंड। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, इस टाइप की वीडियोस देखने के लिए यू कैन चेक आउट माय चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल टू। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर एंड राइड सेफ।